हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 का जो टॉपिक पढ़ा था दैट इज क्यू पढ़ा था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो डी क्यू पढ़ेंगे, जिसको आप प्रोनाउंस करते हो डेक के थ्रू भी। क्यू के अंदर क्या होता था, दैट इज किस प्रिंसिपल पे काम करता था क्यू, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपको पता है जो एलिमेंट पहले एंटर होता था वो पहले ही बाहर निकलता था। उससे पहले आपने क्या पढ़ा था, दैट इज स्टैक। स्टैक के अंदर क्या होता था, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता था, लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता था। आज जो हम पढ़ेंगे वो डी क्यू के बारे में पढ़ेंगे। डी क्यू आपका क्या है, जिसको आप प्रोनाउंस कर सकते हो डेक। ये भी आपका क्या है, आपका क्यू का ही एक पार्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका रिमूव इंसर्शन और रिमूवल जो होता है वो आप फ्रंट से या फिर रेयर से, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। और आप जो एलिमेंट रिमूव कर सकते हो वो फ्रंट से या रेयर से, दैट मीन्स आप फ्रंट से और बैक से, दोनों से आप जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हो। इसको आप डबल एंडेड क्यू भी बोल सकते हो या फिर आप डी क्यू बोल सकते हो। इसका फीचर क्या है, आप एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम आइदर एंड, दैट मीन्स इस एंड से भी और इस एंड से भी आप या तो ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। द डी क्यू मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन लाइब्रेरी। पाइथन के अंदर ये कलेक्शन लाइब्रेरी का जो है पार्ट है, दैट मीन्स कलेक्शन मॉड्यूल का पार्ट है। इसके अंदर क्या है, फ्रंट से एलिमेंट ऐड करने के लिए, फ्रंट से एलिमेंट रिमूव करने के लिए, रेयर से एलिमेंट ऐड करने के लिए और रेयर से एलिमेंट रिमूव करने के लिए आपके पास फंक्शंस दे रखे हैं। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कलेक्शन मॉड्यूल का, कलेक्शन जो मॉड्यूल है उसका इंपोर्ट करना पड़ेगा। अपने आपके पास जो मॉड्यूल होते हैं वो फंक्शंस होते हैं, वो क्या है, दैट इज इंसर्ट फ्रंट। सिर्फ इसके अंदर एक ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स मिडिल के अंदर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर से रिमूव या पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप ऐड नहीं कर सकते डी के अंदर। इसके अंदर फ्रंट और एंड में आप ऐड कर सकते हो और फ्रंट और एंड से आप रिमूव कर सकते हो। जो आपके पास मेथड है वो क्या है, इंसर्ट फ्रंट। इंसर्ट फ्रंट क्या करता है, ये आपको एक न्यू लिस्ट के अंदर या आपका न्यू डी के अंदर फ्रंट के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए काम में आता है। इंसर्ट रेयर किसके लिए आता है, ये इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द रेयर ऑफ डी क्यू। डिलीट फ्रंट ये क्या करता है, आपका रिमूव करता है एलिमेंट को फ्रॉम द फ्रंट ऑफ डी क्यू। और डिलीट रेयर आपका ये डिलीट करता है एलिमेंट को फ्रॉम कहाँ से, आपके रेयर से, किसके अंदर से, डी क्यू के अंदर से। चलिए इनको इंप्लीमेंट कर भी अभी देखते हैं, आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डी क्यू की, तो उसके अंदर क्या है, अगर आप क्या करते हो, देखो आप रेलवे टिकट्स लेने जाते हो तो पैसेंजर की एक क्यू होती है, जो पहले लगा होता है वो पहले बाहर निकलता है। ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, क्यू का एग्जांपल हो गया। लेकिन डी क्यू में क्या है, सपोज एक क्यू थी जिसके अंदर एक पैसेंजर गया, उसने टिकट लिया, फिर वो वापस चला गया। टिकट लेने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसको वापस याद आया कि उसको कुछ पूछना था, तो वो उसके पास प्रायोरिटी होती है कि वो आगे जाकर पूछ सके, उसको क्यू में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या होता है, अपनी उस विंडो पर पहले जाकर खड़ा होता है और वो अपने अपनी क्वेरी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी टिकट होता है। ऐसे आप व्हीकल्स जो होते हैं आपके हाईवे पर, वो जब आप टोल प्लाजा पे होते हो तो सपोज क्या होता है, टोल प्लाजा पर मल्टीपल टोल्स होते हैं, तो आपकी क्या होता है, यहाँ पर लाइन लगी होती है व्हीकल्स की, यहाँ पर लाइन लगी होती है व्हीकल्स की, यहाँ लाइन लगी होती है व्हीकल्स की, और सपोज ये टोल खाली था, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कोई भी आपका व्हीकल जो होता है वो निकलता है और दूसरी अपनी किसी भी जगह जाकर एंटर हो जाता है, किसी भी टोल पर जाकर वो एंटर हो जाता है। ऐसे आपका जो ब्राउजर की हिस्ट्री होती है उसका यूआरएल का एग्जांपल आप ले सकते हो, डू अंडू रीडू और का एग्जांपल ले सकते हो, और आप स्ट्रिंग का जो पैलिंड्रोम होता है उसको चेक करने के लिए भी एग्जांपल ले सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा, एक आप फ्रंट से और एक रेयर से आप एलिमेंट निकालते रहोगे, दैट मीन्स एक करेक्टर निकालते रहोगे और उसको चेक कराते रहोगे वो सेम है या नहीं है, और जो लास्ट बचा हुआ करेक्टर है उसको आप बाद में चेक कर सकते हो। ये आपका कुछ एप्लीकेशन से किसकी, डी क्यू की। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी कर देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अब ये एक प्रोग्राम मैंने बना रखा है डी क्यू का, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपका कि कलेक्शन मॉड्यूल का, दैट मीन्स कलेक्शन का एग्जाम वो आपका मॉड्यूल है, दैट इज डी क्यू, जिसको आप कलेक्शन लाइब्रेरी का मॉड्यूल है डी क्यू, उसको आप इंपोर्ट करोगे। दैट मीन्स आपने कलेक्शन मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है,
फिर आपने क्या करा, एक वेरिएबल लिया डबल एंडेड इक्वल्स टू कलेक्शन डॉट डी क्यू, और इसके अंदर आपने एक डी क्यू क्रिएट कर दी जो ऐसे बन गई होगी। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, मंडे होगा, ट्यूजडे होगा और वेनेसडे, ऐसे करके एक डी आपकी डी क्यू क्रिएट हो गई होगी। देन आपने क्या करा, प्रिंट डी डबल एंडेड डबल एंडेड, तो ये क्या हो गई, प्रिंट हो गई होगी। देन आपने क्या लिखा, एडिंग टू द राइट ऑफ, टू द राइट आपने क्या लिखा, डबल एंडेड डॉट, दैट मीन्स इस वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर ऐड करने के लिए काम आएगा। जब आपने ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लिस्ट होगी दो आपकी डी क्यू होगी, उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, मन हो गया होगा, यहाँ पर टी ओ ट्यूजडे का हो गया होगा या वेनेसडे हो गया होगा। जब आपने अपेंड करा होगा तो यहाँ पर क्या गया होगा, टी एच यू आ गया होगा, थर्सडे के लिए आ गया होगा। देन आपने क्या करा, एडिंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, संडे सन आ गया होगा। देन आपकी जो रिमेनिंग थी वो आपका एज इट इज रही होगी, फिर क्या हो गया होगा, मंडे हो गया होगा, ट्यूजडे हो गया होगा, वेनेसडे हो गया होगा, और आपका क्या था रिमेनिंग, दैट इज थर्सडे, ये आपकी लिस्ट हो गई, सॉरी आपकी डी क्यू हो गई। रिमूविंग फ्रॉम द राइट, अगर आपको राइट से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, दैट इज वेरिएबल डॉट पॉप। पॉप फंक्शन क्या करेगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। तो अब आपके पास लिस्ट क्या बची होगी, दैट मीन्स डी क्यू आपकी क्या बची होगी, दैट इज संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनेसडे, ये आपकी बच गई होगी। देन आपने क्या लिखा, रिमूव फ्रॉम द लेफ्ट, अब आपने क्या लिखा, पॉप लेफ्ट, दैट मीन्स आपका वेरिएबल का नाम डॉट पॉप लेफ्ट, तो आपका क्या रिमूव हो गया होगा, दैट इज संडे रिमूव हो गया होगा, तो अब क्या प्रिंट हो गया होगा, आपके पास क्या रह गया होगा, दैट इज एम ओ एन टी यू ई और डब्ल्यू ई डी वेनेसडे, ये आपका हो गया। देन आपने क्या करा, रिवर्सिंग द डी क्यू, दैट मीन्स आप इसको उल्टा कर रहे हो, तो आपने आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, डबल एंडेड डॉट रिवर्स, रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये डब्ल्यू ई डी टी यू ई और एम ओ एन, आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं आपको ओपन करके इस प्रोग्राम को दिखा देता हूं नोटपैड प्लस प्लस में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, मेरे पास ये बना हुआ, मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लेता हूं। ये देखिए एज इट इज बना हुआ है मेरे पास। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। मैं चले जाता हूं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, डी ड्राइव में सीडी एनसीईआरटी स्लाइड्स सीडी डी डैश 10 और लिखता हूँ पाइथन p1.py। तो हमारे पास अभी मैं जो आपको आउटपुट दिखा रहा था इस पर, उसको चेक कर लेते इसके साथ। देखिए हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो यही आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ सो देट आपको क्लियर होता रहे। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, एम ओ एन टी यू और डब्ल्यू डी आपके पास ये आ रहा है। देन हमने एक राइट में ऐड करा था, दैट इज आपका ये आ गया थर्सडे। देन आपने एडिंग टू द लेफ्ट, आपका ये आ गया जो मैंने आउटपुट आपको दिखाया था, संडे आ गया। देन आपने क्या करा था, रिमूविंग फ्रॉम द राइट, तो आपने राइट से रिमूव करा था तो आपके पास क्या हो गया था, दैट इज थर्सडे हट गया था या आपका आउटपुट ये आ गया था। देन आपने क्या करा था, रिमूविंग फ्रॉम द लेफ्ट, आपका लेफ्ट से रिमूव कर दिया था संडे, तो आपकी रिमेनिंग लिस्ट ये बच गई थी। देन आपने इस लिस्ट को रिवर्स करा था, तो रिवर्स करने के बाद मैंने जो आपका आउटपुट दिखाया था वो ये आया था। तो ये आउटपुट हमने जो वहाँ पर स्लाइड पर जो अपने एग्जीक्यूट करके मैंने आपको दिखाया था वो एज इट इज आया है, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिखाया था। ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा और इससे आपको ये पता चल गया होगा कि डी क्यू के अंदर आप इंसर्ट फ्रंट से भी कर सकते हो और रियर से भी कर सकते हो, दैट मीन्स दोनों एंड से आप ऐड कर सकते हो और दोनों एंड से आप इसको रिमूव कर सकते हो। क्यू और डी क्यू के अंदर मेजर डिफरेंस जो ये है, क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का फॉर्मूला यूज होता है, दैट मीन्स प्रिंसिपल यूज होता है। डी क्यू के अंदर ये कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव यूज नहीं होता है, इसके अंदर आप किसी भी एंड से ऐड कर सकते हो और किसी भी एंड से रिमूव कर सकते हो। बस सिर्फ आप एक चीज नहीं कर सकते, इसके अंदर मिडिल से आप एंड नहीं
किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से आप ऐड नहीं कर सकते और रिमूव नहीं कर सकते। आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया वो डी क्यू आपको पढ़ाया। अगर डी क्यू के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी परेशानी हो या क्यू के अंदर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपके जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर फोर का एक्सरसाइज जो सेक्शन है, दैट मीन्स एक्सरसाइज जो दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, उसको सॉल्व करेंगे। उससे भी आपके जो डाउट्स होंगे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी कोई परेशानी आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।